खड़गे साहब ने बताया कि अब जिस जब पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया आगरा के अंदर, एक बाबा साहब ने बड़े दुखी मन से कहा था, लेकिन आज बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो आज एट्रोसिटी का जो मैटर है ये कि ये लाखों ख़त्म कर रहे हैं, तो इस तरीके से दिन पर दिन आज संविधान पर अटैक हो रहा है। और ये हकीकत बात है, अनंत कुमार जो कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा था हम तो संविधान चेंज करने आए। अब ठीक पूछा है, हमारा एम्प्लॉयज के अंदर ये पीओ एक्ट है ना, वो गवर्नमेंट ख़त्म करने के सोच रहे हैं। हमारा हर एम्प्लॉयज, अभी तो दुनिया में बहुत लोग डॉक्टर्स वकीलिस इंजीनियर्स बहुत लोग हुए, हम भी डॉक्टर हैं, मगर यूनिटी नहीं है हमारे के अंदर। ये कमज़ोर लेके आजकल गवर्नमेंट पूरा अपना दलित लोग का राइट्स ना ख़त्म करके सिस्टमेटिकली उनको पूरा दलित समाज ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट सोच रहे, ऊपर से प्यार है अंदर से तो ख़त्म कर रहा है। पूरा मिनिस्टर सारे है, हम आपका साथ है बोल रहे हैं। अभी देखो रिसेंटली बाबा साहब का मूर्ति तोड़ दिया यूपी में, दो अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ दिया, उन लोग इतने अकल नहीं है, मूर्ति भी तोड़ने में उसको क्या है थे? मगर अम्बेडकर दलित समाज में पैदा हुआ, उन लोग इतने हक दिया बोल के वो तो समाज में उनको मूर्ति का ख़त्म कर दिया। हम लोग यूनिट से ऑल एम्प्लॉयज एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज यूनिट में आ जाए तो ये गवर्नमेंट का अच्छा जवाब दे के उसको ख़त्म करके हम तो ताकत आ सकते हैं। हमारे यूनिटी नहीं, हमारे वीकनेस है, उनको ताकत है गवर्नमेंट का। हम दलित समाज लोग का हम तो एक ही बात बोल रहा हूँ, यूनिटी से अम्बेडकर क्या सोच के हमारे को आगे लेने के लिए आया है, उसी मुद्दा आगे लेके हम तो आगे जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएगा। सर डॉक्टर साहब आपने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ, अगर बाबा साहब अगर इन्हीं बातों को लेके अगर सोचते तो उस घड़ी के अंदर उस दौरान बाबा साहब ने अपने चार चार बच्चों को बलि चढ़ा दिया और बिगर दवाई के कारण उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया, बाबा साहब ने पीछे मुड़ के नहीं देखा इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और जो आज समाज जागरूक हो चुका है बाबा साहब के मिशन पर काम नहीं कर रहा है। सही बात, सही पूछ रहे हैं, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत महान है, उसको ये सोसाइटी के लिए कितने डेडिकेट किया है, पूरे उनको जान दे दिया, तो वो बाबा साहब से कंपेयर करें तो हम तो नथिंग है इसमें। हम लोग ना पूरा स्वार्थ है हमारा पर्सनल फैमिली के लिए देखते हैं, उनसे आगे आ जाए यूनिटी के लिए, हमारा समाज लोग के लिए अच्छे अवेयरनेस ला के यूनिटी आ जाए तो हमारे के ये प्रॉब्लम नहीं आते। हमारा बाबा साहब क्या सोचा वो हम लोग आगे नहीं लेके इसमें थोड़ा सा आपका साथ हम भी शामिल है, यूनिटी नहीं है, यूनिट आ जाए तो हम तो बाबा साहब का सपना पूरा कर सकते हैं। यूनिटी कैसे आएगी डॉक्टर साहब? यूनिटी आ जाएगी, पूरा अवेयरनेस आनी चाहिए हमारे के अंदर, एकदम फाइनेंशियली वीक है।